हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक 12 वोल्ट का वाटर पंप। इसे आप किसी भी 12 वोल्ट की बैटरी से चला सकते हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक 50 ml की सिरिंज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिरिंज के ऊपर मैंने टेप लगा दिया है ताकि सिरिंज को एकदम गोलाई में काटा जा सके। सिरिंज के प्लंजर भाग को निकालने के बाद मैंने सिरिंज को निशान लगाई हुई जगह से काट दिया। इसके बाद मैंने खुरदरे किनारे बराबर करने के लिए रेग मार्क पर घिस दिया। यहाँ पर मैं सिरिंज के प्लंजर भाग से रबर सील को हटाने के बाद प्लंजर को आगे से काट दूंगा और फिर उसे भी रेगमार पर घिस दूंगा। बहुत खूब, ये काफी सफाई से कटा है। यहाँ पर मैं प्लस के जैसे दिख रहे इम्पेलर के बीच में कट लगा दूंगा ताकि यहाँ पर मोटर लगाई जा सके। मैं यहाँ पर एक 12 वोल्ट की डीसी मोटर ले रहा हूँ और इसके साथ में इम्पेलर को जोड़ दूंगा। जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर एक कनेक्टर ले रहा हूँ। इसको मैं इम्पेलर के साथ अच्छे से लगा दूंगा और फिर सुपर ग्लू से चिपका दूंगा। यहाँ मैं सिरिंज से निकाली गई रबर सील को साइड से काट दूंगा और फिर उसके बीच में सुराख बना दूंगा। इसके बाद हम इसे डीसी मोटर के ऊपर सुपर ग्लू से चिपका देंगे ताकि मोटर के अंदर पानी ना जा सके। यहाँ मैंने इम्पेलर को मोटर की शाफ्ट से जोड़ दिया है। यहाँ मैं मेटल के दो पाइप ले रहा हूँ और इन्हें मैं सिरिंज के साथ जोड़ दूंगा। यहाँ पर मैं एक पाइप को साइड में लगाने वाला हूँ और दूसरे को ठीक सामने की तरफ। आप देख सकते हैं मैंने सिरिंज के अंदर सुराख कर दिए हैं और अब मैं सिरिंज में पाइप लगा दूंगा। यहाँ पर सुपर ग्लू को अच्छे से लगाना जरूरी है ताकि पानी रिसे ना। यहाँ मैं मोटर के ऊपर अच्छे से टेप लगा रहा हूँ ताकि यह सिरिंज के अंदर लगने के बाद सील का काम करे। आप देख सकते हैं मैंने मोटर को सिरिंज के अंदर लगा दिया और किनारों में सुपर ग्लू लगा दिया। मैंने सिरिंज के प्लंजर से ही पंप के लिए बैक कवर बना लिया और फिर मैंने कवर को पंप के पीछे लगा दिया। अंत में वायर कनेक्ट करने के बाद हमारा पंप बनकर तैयार है और यह दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी यह अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फिर पंप की टेस्टिंग देखते हैं। मैंने इसे 12 वोल्ट की सप्लाई दी है और आप पंप से पानी निकलते हुए देख सकते हैं। पानी का फ्लो काफी अच्छा है और प्रेशर भी एकमात्र है। दोस्तों, AI वॉइस ओवर वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट करके बताएं क्या आप ऐसी ही वॉइस ओवर वीडियोस देखना पसंद करेंगे। चलिए शुक्रिया।